एक हमारी ताकत समझे और उसको लेकर के हम अपनी रणनीति बनाए, अपनी नीतियां बनाए, तो हम बहुत कुछ देश की स्थिति को बदल सकते हैं। जब अटल जी की सरकार थी, 21वीं सदी का प्रारंभिक वर्ष था और 20वीं सदी का उत्तरार्ध था, जो ब्रिज कंसेप्ट आया, उस ब्रिज कंसेप्ट में डेवलप कंट्रीज के बाद बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में हिंदुस्तान ने अपनी जगह बनाई। विकास की संभावना वाले देशों में ब्रिक्स में हिंदुस्तान ने अपनी जगह बनाई। लेकिन आज हम वहां से किनारा हो गए। ये 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि हमारे बाहर भी लोग हमें एक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाले देश के रूप में देख रहे थे। एक प्रकार से लगता है कि हमने पूरा ये डेकेड हमने गंवा दिया और इसलिए हमको फिर से एक बार वहीं से शुरू करने की नौबत आएगी, ऐसा लगता है। आज हम किस प्रकार से संकटों से गुजर रहे हैं, बाय एंड लार्ज लोग कहते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम जब डेफिसिट की ओर देखें तो कहां कहां पर जाकर के हम रुकेंगे। इट्स नॉट सिंपली फिस्कल डेफिसिट, गवर्नेंस में डेफिसिट है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में जो एक वाइब्रेंसी चाहिए उसमें डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, मॉरल डेफिसिट है, और बिजनेस के लिए जो ईज एनवायरमेंट चाहिए, ईज एनवायरमेंट, वो भी डेफिसिट है, सिक्योरिटी डेफिसिट है। यानी एक जगह पे गाड़ी अटकी नहीं है, हमने यहां लाकर के खड़ा कर दिया है कि हमने जहां थे वहां आगे बढ़ना पाना एक बात है, लेकिन हम जहां थे वहां से भी गिरते चले गए हैं। और चाहे वो मॉरल डेफिसिट हो, कैरेक्टर क्राइसिस का मामला हो, हर प्रकार से। और जब प्रमुख स्थान पर ये हालत हो तो मैं जानता हूं कि सामान्य मानवी में निराशा आना बहुत स्वाभाविक है। एक बार भरोसा टूट जाए तो निराशा बड़ी वायरल हो जाती है। आज भरोसा टूट चुका है। अगर एक बार हम भरोसा दे पाए, हां भाई चिंता मत करो मैं बैठा हूं, तो ये देश ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकता, दौड़ सकता है। मेरा एक्सपीरियंस है 2001 में व्हेन आई वाज अपॉइंटेड एज ए चीफ मिनिस्टर, मेरा शपथ हुआ, मैं कच्छ का भूकंप था और भूकंप के बाद मैं गया, अर्थक्वेक के बाद एक ऐसी निराशा थी गुजरात में, लगता था बस मौत की चादर ओढ़ करके सोए, अब खड़े नहीं हो सकते, अब क्या होगा, कौन बचाएगा, ये मूड था। क्योंकि भूकंप के कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ था, इतना बड़ा, लेकिन देखते ही देखते लोगों को विश्वास हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं है, खड़े हो सकते हैं। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है इवन फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज इस प्रकार के अगर नेचुरल कैलोमिटी है तो उससे बाहर आने में मिनिमम 7 ईयर लगते हैं, हम 3 साल में दौड़ने लग गए थे। भरोसा ये बहुत बड़ी ताकत थी। कोई मरना नहीं चाहता, सब खड़े होकर के दौड़ना चाहते हैं, लेकिन किसके भरोसे दौड़े। और इसलिए
ये डेफिसिट एनवायरनमेंट में से अगर हम बाहर आते हैं देश को, तो हम एक भरोसा पैदा कर सकते हैं। भरोसा पैदा करें तो 125 करोड़ लोगों को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम चीजों को बदल सकते हैं। और जब मैंने पहले प्रारंभ में कहा कि हमारी ऐसी स्ट्रेंथ है जिसके दुनिया का कोई कंट्री एक साथ क्लेम नहीं कर सकता है, डेमोक्रेसी हो, डिमांड हो, डेमोग्राफिक बेनिफिट हो, कमी क्या है? वी डोंट हैव अ डायरेक्शन, कहां जाना है? वी डोंट हैव अ डेडिकेशन एंड वी डोंट हैव अ डिटर्मिनेशन। अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, डिवोशन नहीं है, अगर हम डिटर्मिनेशन के साथ इसको कर, तो ये तीनों जो हमारे पहले वाले डी है ये धरे के धरे रह जाते हैं। और आवश्यकता होती है डायरेक्शन हो, डिटर्मिनेशन हो और डेडिकेशन। लगता है जी ये कोई पार्ट टाइम एक्टिविटी थोड़ी है। गुजरात की मेरी सफलता के लिए लोग पूछते हैं तो मैं कभी कहता हूं कि मैं 24 आवर सीएम हूं, और कोई काम ही नहीं है, एक ही काम है मेरे पास, करता रहता हूं। तो उसका मुझे काफी, एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास वो है गुड गवर्नेंस। मैं हमेशा कहता हूं कि बैड गवर्नेंस इज लाइक अ डायबिटीज। कितना ही आदमी तंदुरुस्त लगता हो लेकिन एक बार डायबिटीज हो गया तो हर बीमारियों को वो इनवाइट करता है और धीरे 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 खोखला हो जाता है। ये बैड गवर्नेंस फिर हर प्रकार की बीमारियों को लाता है। और इसलिए कभी नीतियों से भी ज्यादा गवर्नेंस ताकत रखता है। और गुड गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस है। आप देखिए चीजें कैसे बदलती है। आई विल गिव यू द स्मॉल सिंपल एग्जांपल। गुजरात ने सबसे पहले सोलार पॉलिसी लाया देश में, और हम जब सोलार पॉलिसी लाए तो हमने 13 रुपया देंगे ऐसा कहा था। तो गुजरात के बाद उसी फुल स्टॉप कॉमा के साथ भारत सरकार ने पॉलिसी को लाया, लेकिन एक फर्क किया, जहां हमारा 13 था वहां उन्होंने 19 कर दिया। अब हमारे देश का व्यापारी, हम जानते हैं जी 19 मिलता है तो 13 में कौन आएगा। तो हमारे अफसर लोग